सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन सैमसंग का नया 5G स्मार्टफोन है जो इंडिया के अंदर आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इंडिया में यह स्मार्टफोन आज लॉन्च हुआ है 21,000 रुपए की प्राइस पर, 21,000 रुपीज की प्राइस पर यह स्मार्टफोन इंडिया में आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यह स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना चाहिए। यह स्मार्टफोन आपको क्यों नहीं परचेस करना चाहिए उसके रीजंस मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। सो हे गाइज, मेरा नाम है ब्रिज और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पहला रीजन इस स्मार्टफोन को ना परचेस करने का ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो एकदम ही बेहतरीन होने वाली है वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो एकदम घटिया डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग ने प्रोवाइड की है HD+ रिजोल्यूशन वाली TFT डिस्प्ले। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर HD+ रिजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर LCD डिस्प्ले IPS डिस्प्ले भी नहीं मिलती, यहाँ पर TFT डिस्प्ले प्रोवाइड की है सैमसंग ने। और गाइस ये डिस्प्ले पंचोल कैमरा वाली डिस्प्ले भी नहीं है, ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले है और यहाँ पर हमें कोई हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलने वाला, 60Hz का ही रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। अभी के समय में 10,000-12,000 रुपए के जो स्मार्टफोन आते हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G के कंपेयर में। दूसरा रीजन इस स्मार्टफोन को ना परचेस करने का ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलता है वो प्रोसेसर एक अच्छा प्रोसेसर तो है, लेकिन वो प्रोसेसर 21,000 रुपीज की प्राइस पर अच्छा नहीं है। यहाँ पर Dimensity 720 का प्रोसेसर मिलने वाला है और ये प्रोसेसर 15,000 रुपए के आसपास जो लॉन्च होते हैं स्मार्टफोन्स उनके लिए काफी अच्छा है। 21,000 रुपीज के आसपास तो हमें Snapdragon 768GB मिल जाता है और यहाँ पर हमें MediaTek Dimensity 800UB मिल जाता है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरा रीजन इस स्मार्टफोन को ना परचेस करने का ये है कि यहाँ पर जो कैमरे हमें मिलते हैं वो एकदम ही बेकार है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरास मिल जाते हैं और जिस प्राइस पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस पर और भी अच्छे अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफोन हमें मिल जाते हैं। और गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ दो ही अच्छी चीज है। पहली अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर हमें 12 डिफरेंट टाइप ऑफ 5G बैंड्स मिलने वाले हैं, ज्यादा 5G बैंड्स मिल जाते हैं वो एक अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट इसमें अच्छा है वो ये है कि यहाँ पर हमें 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 15W का ही फास्ट चार्जर मिलने वाला है। 25W का फास्ट चार्जर देना ही चाहिए था सैमसंग वालों को। और गाइस 21,000 रुपीज में तो काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है, 4G भी अवेलेबल है एंड 5G स्मार्टफोन भी अवेलेबल है। 4G स्मार्टफोन में Redmi Note 10 Pro Max काफी अच्छा है और 5G स्मार्टफोन के अंदर iQOO Z3 काफी अच्छा है। ये दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छे है 20-21,000 रुपीज की प्राइस रेंज में, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन एकदम बेकार स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स मिलते हैं वो एकदम घटिया है। इसीलिए सैमसंग के फोन्स अच्छे होते हैं, मैं भी सैमसंग का फोन यूज करता हूँ, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है वो इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको परचेस नहीं करना चाहिए। ये था मेरा वीडियो सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।